आदर आदाब आभार अभिनंदन मित्रों, शुरू करेंगे अभी हम लोग अपना केवीसी। तो तैयार हो जाइए, यह रहा पहला प्रश्न। नचिकेता और यम के बीच का सुप्रसिद्ध संवाद किस ग्रंथ में है? ए छांदोग्योपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी कठोपनिषद, डी केनोपनिषद। बहुत कठिन शब्द है मित्रों, जिनको जवाब आता है वो कृपया। तो सही जवाब है कठोपनिषद, वो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। अगला प्रश्न, जैन धर्म की पांच मुख्य शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह एवं ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य सिद्धांत किनके द्वारा जोड़ा गया था? ए पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी ऋषभनाथ, डी नामीनाथ। कमेंट बॉक्स में जवाब दे दे। सही जवाब है बी महावीर। महावीर जी ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़े थे और पार्श्वनाथ जी चार सिद्धांत सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह शब्द को पहले इन्होंने दिए थे। अगला प्रश्न, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का क्या मतलब था? ए भारतीय मलमल, बी हाथी दांत, सी यवन राजसभा के नर्तकी, डी काली मिर्च। वीडियो को पॉज कर ले और जवाब दे दे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दे। तो सही जवाब इसका है डी काली मिर्च। यवन इंडो ग्रीक थे जिनको काली मिर्च बहुत पसंद थी, तो उन्होंने उनके लिए जो है काली मिर्च को यवन प्रिय नाम से जाना जाता था। मित्रों वीडियो को शेयर करना ना भूले, अपने सगे संबंधियों दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर कर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक जरूर दे। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रथम मेयर कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी मुरारजी देसाई, सी विनोबा भावे, डी अरुणा आसफ अली। इसका सही जवाब है डी अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न, गुजरात के किस शहर में दुनिया का दूसरा और भारत का प्रथम पतंग संग्रहालय है? ए सूरत, बी राजकोट, सी अहमदाबाद, डी वडोदरा। तो सही जवाब है सी अहमदाबाद, भानुभाई शाह द्वारा स्थापना किए गए थे। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम के पोस्टेज स्टाम्प पर छपने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जो राज परिवार से संबंधित नहीं थे? ए क्वीन विक्टोरिया, बी जॉन मिल्टन, सी डब्ल्यू शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, डी पॉप जॉन पॉल। राज परिवार से संबंधित नहीं थे। सही जवाब है सी विलियम शेक्सपियर वॉज द फर्स्ट कमांडर और नॉन रॉयल। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इस चित्र को देखें, इस चित्र में दिखाए गए पक्षी कौन सा है, इसका नाम क्या है? ए ब्लू फिजेंट, बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी हेरन, डी क्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों इस बार। तो सही जवाब है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये रेयर स्पेसीज में आ गए हैं, बहुत कम संख्या इनके बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट किनके प्रकार है? ए एल्युमिनियम, बी कोयला, सी तांबा, डी लोहा। इस प्रश्न को मैंने एक और वीडियो में बहुत पहले दिया था पिछला साल मित्रों। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल पे जा करके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बी कोयला। अगला प्रश्न, महाभारत में दुर्योधन के पत्नी का क्या नाम था? ए द्रौपदी, बी भानुमती, सी मंदोदरी, डी उर्वशी। अगर जवाब आता हो तो बहुत आसान लगेगा मित्रों, नहीं आता हो तो
आ जाएगा अभी। तो सही जवाब है भानुमति। दसवां प्रश्न यह रहा, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसका कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है? ए भूटान, बी नौरू, सी ग्रीनलैंड, डी मेडागास्कर। तो इसका सही जवाब है नौरू। मित्र नौरू छोटा सा देश है, इसका कोई भी राजधानी नहीं है। अब हम लोग खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फास्ट। तो ये रहा प्रश्न, इन देशों को उनके जनसंख्या के अनुसार कम से अधिक के क्रम में सजाएं, यानी कि जिन देश का जनसंख्या कम है उनको पहले रखना है और जिनका अधिक है उनको बाद में रखना है। ये रहा ऑप्शन, ए रूस, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी ईरान। वीडियो को पॉज कर ले, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे दे और फिर बाद में मैं जवाब दूंगा, उससे जरूर अपना मिलान कर ले। तो अब देखेंगे सही क्रम क्या है, पहले डी ईरान 8 करोड़ से ज्यादा है, बी जापान 12 करोड़ से ज्यादा है, उसके बाद ए रूस 14 करोड़ से ज्यादा है और उसके बाद सी बांग्लादेश 16 करोड़ से अधिक है। ये लगभग में है, इनके जितना जनसंख्या देश से अधिक है। तो हम लोग का जो सही क्रम हुआ डी बी ए सी। तो देख लीजिए कौन कौन इनका सही जवाब है। तो मित्र अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो ये जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको प्रेस कर दे और जो बगल के घंटी है बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दे, इससे फ्री में हमारे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, शेयर कर दे वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।